जी गाइस, तो आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे कि मनोज डे की तरह बैनर जो है वो आप कैसे बना सकते हो। तो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, तो बस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा अपलोड होने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के बगैर इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले क्रोम पे आता हूँ और आपने यहाँ पर सर्च करना है इसको सर्च कर लेना है, इमेजेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बैनर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पर एक को डाउनलोड करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले इसको प्ले करता हूँ और फिर इसके बाद डाउनलोड करता हूँ, इनकी क्वालिटी जो है वो साफ हो। तो यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, तो ये डाउनलोड हो गया। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ। अगर आपके पास पिक्सल लैब नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ, तो मैं मोबाइल को रोटेट करता हूँ। यहाँ पर मैं पहले इस टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ, ये मैंने डिलीट किया। यहाँ पर मैं थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर मिल जाएगी इमेज साइज, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल बैनर, तो आपने इस पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। तो ये जो है यूट्यूब चैनल बैनर की साइज़ है। तो यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ये इमेज जो है मैंने ये डाउनलोड की, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। इस तरीके से मैंने रख लिया, यहाँ पर मैं इसको लॉक करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको लॉक किया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी फ़ोटो जो है आपने सेलेक्ट करना है। आप अपना फ़ोटो जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये फ़ोटो है, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये मैंने इसको रोटेट किया, इसको छोटा करता हूँ, और इसको भी यहाँ से लॉक करता हूँ। अगर आप इनको आउटलाइन देना चाहते हो तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप इनको दे सकते हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह रख लिया, फिर से टिक निशान पर क्लिक करता हूँ, इसको लॉक करता हूँ, ये मैंने लॉक किया। प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं यूट्यूब का लोगो जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, टिक निशान पर क्लिक करता हूँ और इसको छोटा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको छोटा किया इस तरह और इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह रख लिया, इसको भी स्ट्रोक देता हूँ ताकि प्रोफेशनल लगे। तो ये इस तरह हो गया, थोड़ा सा और भी छोटा करता हूँ, ये सही हो गया। तो यहाँ से मैं इसको भी लॉक करता हूँ, आपने भी बिल्कुल इस तरीके से करना है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर मैं ए पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और आपने यहाँ पर अपने चैनल का नाम जो है वो टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। तो मैं डन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप इनको छोटा और बड़ा कर सकते हो, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पर डन पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ और इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगी फ़ॉन्ट। तो आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट करना है, आप कौन सा भी फ़ॉन्ट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं ज़्यादातर ये फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, ओके करता हूँ, तो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगी स्पेसिंग, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस भी देता हूँ, टिक निशान पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक भी देता हूँ, थोड़ा इस तरह कर लेता हूँ, ये इस तरह हो गया। यहाँ पर टिक निशान पे क्लिक करता हूँ, अगर आप शेडो देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो शेडो देता हूँ ये मैंने यहाँ पर रख लिया, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ पर ये इस तरह हो गया। तो इनको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ पर मैंने रख दिया, तो इनको मैं यहाँ से लॉक करता हूँ, ये भी लॉक हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से ए पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर मैं इनको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया, इनको डन करता हूँ, ओके करता हूँ, ज़रा रख लेता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, तो यहाँ पर ये इस तरह हो गया। तो यहाँ पर मैं इनको अनलॉक करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा नीचे करता हूँ, फिर से लॉक करता हूँ इनको, ये मैंने लॉक किया। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इनको फ़ोन भी देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस फ़ोन पे क्लिक किया, ओके करता हूँ, ये इस तरह हो गया। यहाँ पर मैं इनको आउटलाइन जो है वो भी देता हूँ, स्ट्रोक जो है
शॉप पे क्लिक किया, इनको थोड़ा सा कम करता हूँ, इस तरह हो गया। टिक निशान पे क्लिक करता हूँ, शेडो भी देता हूँ, टिक निशान पे क्लिक करता हूँ, और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगी सेव टू गैलरी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपकी गैलरी में जो है वो सेव हो जाएगी। तो मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ और अपने चैनल पर जो है वो लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने यूट्यूब को ओपन किया, तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, यूअर चैनल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस कैमरे पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको मिल जाएगी टेक अ फोटो चूज़ फ्रॉम योर फोटो, तो यहाँ पर मैं चूज़ फ्रॉम योर फोटो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बैनर जो है वो आ गए है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ, इस तरीके से रख लेता हूँ। तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद ये जो है वो चेंज हो जाएगी बैनर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैनर जो है वो चेंज हो गई है, और कितना खूबसूरत जो है वो लग रहा है। यहाँ पर आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आपको ये भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरा अपलोड होने वाली वीडियो पहले तक पहुँच जाएगी।